हेलो, अभी स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक आता है भाई अपने बंटा, एमए बंटा है। और भाई एमए बंटा है के टॉक्सिक वाले फैन है, टॉक्सिक वाले चहेते वाले, जैसे लगता है हम लोग भाई फैन नहीं है भाई। भाई एमए बंटा के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके टॉक्सिक वाले फैन के ऊपर चलेंगे, ठीक है? तो यार वीडियो थोड़ा सा देख लेना भाई, समझ जाओ, थोड़ा सा देखना भाई, मजा आएगा भाई। मजा आएगा भाई, प्रूफ के तौर पर मैं दिखला रहा हूँ भाई, प्रूफ 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 तो भाई इधर प्रूव होगा भाई इधर, क्योंकि मेरे मेरे चैनल पे फैक्ट रिएक्शन होता है, फैक्ट बाद में बात बोलता हूँ। तो भाई जिस टॉक्सिक वाले फैन को जली रहती है, खुजली हो जाती है भाई, तो वो आके इंस्टाग्राम में आके चूतियापंती करने लगते हैं। तो भाई मुझे उस सब चीज से घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है, घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। तुम आगे चूतियापंती करो या जो भी हेट फैलाना है हेट करो, जो भी करना है करो भाई। बंटा है, एमईए बंटा है ने, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है। मेरे ऑडियंस को कुछ को पता नहीं होगा क्या हुआ है, जिसको पता हो वो पता। भाई एमए बंटा का जो नया सॉन्ग आया हुआ था, है तो कौन या कौन है तो इस तरह में, भाई वो सॉन्ग पे यार, वो सॉन्ग के रिलीज होने के बाद एमए बंटा लाइव है, लाइव में आके कुछ इस तरीके से हिट फैलाने वाली बात थे अपने लाइव पे बोली। यार बताओ यार, एक लेवल का आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इंडिया का सबसे नंबर 1 रैपर नहीं भाई, इंडिया का सबसे बड़ा रैपर, मतलब ज्यादा सब्सक्राइबर वाला रैपर, ये मत सच में समझ लें। इंडिया का सबसे नंबर 1 नहीं, सबसे नंबर 1 नहीं मानता, स्टैन है, किंग है, डिनो है भाई, सबको डिवाइन भाई अपना भाई, सबसे बड़ा तो मैं नहीं बोल सकता भाई मेरे, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत सारे भाई कड़क, मतलब कड़क फ्लो, कड़क लिरिक्स बहुत सारे भाई। तो खैर वो सब अलग बात है, क्योंकि भाई मेरे इधर के जितने भी बंदे हैं भाई, वो लोग डिवाइन के फैन है, ठीक है? यानी मतलब 70% डिवाइन के फैन है भाई, अपने एरिया के जितने ही बंदे यार, ठीक है? जितने भी है डिवाइन के बहुत बड़े फैन है। उसके बाद कुछ जो है वो स्टैन के फैन है, ठीक है? एमी का बहुत कम सुनता है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि रफ्तार का ही फैन है, ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई हेट नहीं है इधर, इधर हेट नहीं है बट, लेकिन एमए के जो टॉक्सिक वाले फैन है वो सोचते हैं मैं हेट करता हूँ एमए से। भाई एमए से कोई हेट नहीं है भाई, मेरे मेरे रिएक्शन पे जाके देख लेना भाई, कोई हेट नहीं है भाई मेरी, कोई भी हेट नहीं, बस तुम लोग के चूतियापंती की वजह से मुझे ये करना पड़ता है, ठीक है? ये जो टॉक्सिक वाले तुम्हारे सिर्फ बैठे हुए है ना, ठीक है? एमए का क्या ही बोलूं मैं उसे, ठीक है? तो भाई बात शुरू कर लो। तो एमए ने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आया, उधर आकर के कुछ इस तरह की अलग बात बोला, जो कि आप लोग सुन लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ, ठीक है? जैसा मर्जी लिखता मैं, ये है मेरा जोन, यस सर। जज साले है तू कौन, साले है तू कौन, है तू कौन? एक्चुअली ये गाना मैं जब भी बना रहा था बहुत टाइम पहले, बहुत पहले एल्बम में मैं बहुत टाइम पहले से काम कर रहा हूँ इस पे, और ये गाना स्पेशली वो सारे रिएक्शन चैनल्स के लिए था, जो जो भी मेरे वीडियोस को देख के काफी जज करते थे कि मेटाफोर का है, रेफरेंस का है। मैं तो आप लोगों ने सुन लिया तो हाँ, तो एमए ने बोला कि तुम कौन होता है जज करने वाला, साले है तू कौन, गाने में एक लाइन भी था। तो भाई मैं, हम लोगों ने सुना, सोचा जो रिएक्शन कर दिए थे पहले, तो भाई हम लोग को सोचा कि किसी के ऊपर डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? बट लेकिन भाई एमए ने एक रिएक्शन चैनल वालों के लिए डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया भाई, ये किधर थे भाई मेरे, एक 16 मिलियन सब्सक्राइबर वाले इधर 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले को डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा है भाई। 1.5 लाख मतलब कि एक, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो भाई सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं अपने इंडिया में, 2 ढाई 2.5 लाख जो भी है यार, हम लोग तो छोटे से भाई मेरे, ये बताओ यार किधर का ये। आज तक मैंने ये चीज तो किसी भी आर्टिस्ट के साथ मैंने नहीं देखा कि हम लोग का काम है भाई, मैं भाई रिएक्शन कर रहा हूँ। सेमी का गलत गाना आता है तो भाई उसको मैं बोल देता हूँ, इसमें ये चीज एडी रॉक का भाई, जिसकी भी आर्टिस्ट पे सबका सबका ओपिनियन नहीं रहता है, ठीक है? जितने भी आर्टिस्ट का सॉन्ग आता है भाई, सब अपने तरफ से वो बताते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या चीज़ का कमी है क्या चीज़ का कमी नहीं है ब्रो। तो भाई यार एमए ने बोला तुम कौन है मुझे जज करने वाला, भाई यार ये गलत है ब्रो, ये गलत है भाई मेरे। अपने प्रोफेशनल मैग्नेट साफ साफ मना कर दिया है भाई, मैं एमए वनटा के ऊपर रिएक्शन नहीं करने वाला, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को बोल दिया आप लोग एमए वनटा की इधर रिएक्शन देखने आ जाओ तो जाके अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उधर से रिएक्शन अब नहीं आने वाला भाई। मेरे तरफ से भी 2 वीडियो आएगा, उसके बाद कुछ बातचीत होगा, 2 वीडियो आएगा, काफी कड़क फ्लो वाला वीडियो आएगा,
और ये मैं दावा ठोक रहा हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा वो वीडियो। तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लेना अभी तक के लिए, क्योंकि दो वीडियो आने के बाद आप लोग क्या करोगे ये तो नहीं पता, बट लेकिन दो वीडियो काम चल रहा है। बस मैं जो करता हूँ प्रूफ के तौर पे करता हूँ भाई, पब्लिक जो है प्रूफ मांगता भाई मेरे, ठीक है। पब्लिक को प्रूफ दोगे तो पब्लिक आप लोग हेट नहीं देगी, लेकिन कुछ कुछ है प्रूफ के तौर पे भी हेट देने लगते हैं। खैर वो सब चलो उसके बाद भी बात कर लेते हैं। एमी वंटा ने ये बोला कि मेरा गाना रिलीज हो रहा है 31 सितंबर को, ठीक है भाई। मेरे एक 12 फेल आर्टिस्ट से यही उम्मीद कर सकता था मैं, मां कसम भाई यही उम्मीद कर सकता था मैं भाई। इट्स अ फैक्ट ब्रो भाई, सितंबर में 31 नहीं है भाई मेरे, नहीं है एमी वंटा नहीं है भाई। यार गलत है, जिस आर्टिस्ट को अपना एल्बम का डेट नहीं पता है उसका एल्बम कब रिलीज हो रहा है, और उससे क्या ही उम्मीद करूं भाई। 30 तक ही है, सितंबर 30 तक में ही रुक जा रहा भाई, 31 नहीं है ब्रो, नहीं है। यार सुन लो आप लोग, मैं ही नहीं बोल बनता है बोल रहा भाई, मेरे फुल एल्बम आउट हो रहा है 31 नाइट को रात को 12 बजे, दैट इज लाइक 1 तारीख रात। फुल एल्बम आउट हो रहा है 31 नाइट को रात को 12 बजे। तो खैर ये तो छोड़ दो, एमी बंटा को भी उठा कर थोड़ा साइड कर दो भाई। भाई इसके टॉक्सिक वाले फैन का भी देख लो, वही नतीजा है, ठीक है। सारे के सारे नल, ठीक है। तो टॉक्सिक वाले फैन का कहना सुनो, एप्पल म्यूजिक में एमी बंटा का एल्बम आउट हो चुका है, जिसको सुनना है वो आप लोग प्रीमियम लेकर यानी मतलब डाउनलोड पैसा फेंक करके गाना सुन सकते हो। तो भाई का कहना है कि आप लोग जल्दी जाओ एप्पल म्यूजिक ऐप डाउनलोड करो और सॉन्ग सुनो पैसा देकर के सॉन्ग। भाई यार किधर से आया भाई मेरे, भाई इसी में आता है सिर्फ एप्पल म्यूजिक ऐप, एंड्रॉइड में डाउनलोड नहीं होता भाई। डाउनलोड होगा तो कैसे चलेगा भाई मेरे, मतलब एप्पल कंपनी तो अपने आपको बंद कर देगा भाई। सारा चीज मैं एंड्रॉइड में डाउनलोड कर लूंगा तो भाई यार नहीं हो पाएगा भाई मेरे। किधर से कौन सा स्कूल से पढ़ा है भाई, मुझे बता भाई, बता 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 भाई यार। एप्पल म्यूजिक ऐप डाउनलोड करके एमवे बंटाई का एल्बम प्ले करो जाके सुनो हम लोग। एप्पल म्यूजिक ऐप डाउनलोड करके एमवे बंटाई का एल्बम, इतना बड़ा वाला टॉक्सिक होकर के इतना बड़ा वाला फेम होकर भाई, गलत न्यूज किधर से भाई। इधर सिर्फ यार क्या ही है, खैर ये सब उठा के साइड करो यार। भाई सेमी भाई का अपना डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, बंटाई का कुत्ता भाई। ये 3 दिन डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं, ठीक है। पहला अमन कलाकार का, दूसरा थी एडी रॉक का, तीसरा टॉक्सिक रैपर जो यूपी से भी है भाई, चौथा अपने भाई पापा इधर है, ठीक है कोलकाता के पापा, वो भी डिस्ट्रिक्ट निकालने वाले हैं। उनका पोस्टर भी आउट हो चुका है, पोस्टर भी आउट नहीं हुआ भाई, गाना का नाम भी आउट हुआ है। और भाई उसके रिप्लाई देते हुए हलक ने भी लिख दिया है केला, केला मिलेगा भाई। अमन कलाकार ने अपने गाना में, अपने गाना जो था उसका डिस्ट्रिक्ट जो था घंटा रिकॉर्ड्स में, तो भाई उसमें अमन कलाकार ने बोल दिया था कि जाके तू सेमी का केला तुले। तो भाई अदर इधर सेमी का गाना का नाम आउट हुआ, उधर अलग ने लिख दिया भाई केला मिलेगा, तो मतलब कि केला उसको लेना ही है भाई। यार यार क्या ही चूतिया बनती है भाई, मतलब नल्ले बैठे हैं सारे। खैर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया भाई, दो वीडियो आने वाला है, काफी तड़कता भड़कता आएगा ये। मैं बातचीत करने के लिए मैं सोचा आज वीडियो नहीं बना रहा था तो थोड़ा काम था, तो मैं सोचा ये एक वीडियो शूट कर लिया, आप लोगों को दे दिया अपडेट कि दो वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो यार बस सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो भाई का इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो बाय बाय। कुछ लोग आके हेट कर रहे हैं मुझे, यानी समझ रहे हो ना, कुछ कुछ आके चुतियाबंदी कर रहे हैं DM में। तो यार कोई बात नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अकेले अकेले चल रहा हूँ। तो बाय बाय, सारे रहो अच्छे से रहो, सारे मचाओ। सेमी भाई का गाना आ रहा है, काफी ज्यादा प्यार देना, प्यार देना है तो प्यार देना है, ठीक है प्यार देना है, ठीक है आग लगा देना है गाने में, ठीक है बाय बाय।